Hello students, today we will do maths worksheet 46 which is based on surface area of sphere and hemisphere. So all of you must be knowing what a sphere is. Sphere एक ball shaped figure होती है, solid figure, ball shaped. तो आप सबने ball देखी होगी, तो उसकी जो shape है वो sphere की होती है. Globe देखा होगा आप सबने, तो globe is also spherical, sphere shaped का होता है. इसमें रेडियस होता है और सरफेस एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr². दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 times एरिया ऑफ अ सर्कल और एरियाज ऑफ 4 circles हूज रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ स्फीयर दैट इज r. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज of sphere is equals to 4πr². Now, अगर हम इस sphere को बिल्कुल बीच में से एक प्लेन से कट कर दें, जैसे कि बॉल को आप बिल्कुल बीच में से काट दें, तो हमें दो फिगर्स मिलेंगे, आधे आधे बॉल्स के. And this figure is called hemisphere. So a hemisphere is half of a sphere. और इसका radius भी r होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बीच में से कट किया है और ये radius है r. तो इस तरीके से हमें एक ball को कट करने से दो hemisphere मिलते हैं और दोनों की shape इस तरीके की होती है. अब इसका सर्फेस एरिया कितना होगा? अब हेमिस्फेयर में आधा सर्फेस, एक तो आधा स्फेयर होता है और ऊपर एक फ्लैट सरफेस होता है विच इज सर्कुलर. द अपर सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर इज सर्कुलर एंड इट्स रेडियस इज आर. सो सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, अब इसके दो तरह के सरफेस एरिया होंगे. एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया विच इंक्लूड्स ओनली द स्फेरिकल पार्ट, द कर्व पार्ट. तो इसमें क्या होगा? दिस इज हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 2πr². सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज ओनली द कर्व पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ द कर्व पार्ट. और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें ये सर्कुलर जो फ्लैट पोर्शन है इसको भी इंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया πr² होगा, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2πr², ये कर्व सरफेस का, और πr² फ्लैट रीजन का, तो मिला के हो गया ये 3πr². तो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr². नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल 1 which says the surface area of a sphere having radius 14 cm will be as surface area whose radius surface area of sphere whose radius is 14 cm. So the formula of surface area is 4πr². तो r हमें दिया हुआ है 4 × π को अगर इन्होंने कुछ नहीं दिया है तो आप 22/7 ले लेंगे इंटू r² और r इज 14. सो 14² इज 14 × 14, 7 से ये कैंसिल होके सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 cm². क्यों? क्योंकि ये एरिया है. ओके, नाउ लेट्स डू सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज और लेट्स
surface area of hemisphere whose radius is 14 cm. So here the lateral or curve, the lateral surface area, or we can say curved surface area of hemisphere whose radius is 14 cm will be 2 pi r square. क्योंकि हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का आधा होता है, तो हेमिस्फेयर में का जो एरिया है वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. आपको रेडियस का हाफ नहीं करना है, इसमें एरिया का हाफ होता है. सो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द lateral or curved surface area of hemisphere. Now we'll find the total surface area of this hemisphere. So for that, you just have to include the flat portion of the hemisphere, which is circle. So the total surface area of hemisphere is equal to, now what is the total surface area of hemisphere? अभी हमने किया था, this is 3 pi r square. So 3 into 22/7 into 14 into 14. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the total surface area of hemisphere. Now let's do example. It says a hemispherical bowl is made of steel, which is 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. So let's make the figure of this bowl. Here we have a hemispherical bowl whose thickness is 0.25 centimeter. This is the thickness of the bowl and the inner radius is 5 centimeter. The inner radius of the bowl is 5 centimeter and therefore the radius of the outer hemisphere will be 5 plus 0.25 and that is 5.25 centimeters. So therefore, the radius of the outer hemisphere will be 5.25 centimeters. Why? Because this will include the inner hemisphere and the thickness of the metal. So, first of all, we have to find the inner curved surface area of the bowl. Inner curved surface area of bowl. Now, inner curved surface area, as you can see, this is the inner hemisphere. उसका एरिया कितना होगा आपको सबको पता है, फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर और आर हमारे पास क्या लेंगे, 5 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू, और पाई यहां पर हमें बोला गया है कि 3.14 लेना है तो आपको 3.14 लेना होगा, इंटू आर इज 5 इंटू 5 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. Outer curved surface area of bowl and which is hemispherical. Again the formula is same, 2 pi, लेकिन यहाँ पे r को हम capital R ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे r radius different है और यहाँ पर r कितना है, यहाँ पर r लेना है आपको 5 plus 0.25 that is 5.25 centimeter and y plus 0.25
ये आपको पहले ही दिखाया गया था कि जो आउटर हेमिस्फीयर है इसमें आपको थिकनेस भी ऐड करनी है इनर रेडियस में, तो जो आउटर हेमिस्फीयर का रेडियस है वो बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो आप इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर आपको पाई लेना है 3.14, रेडियस होगा 5.25 × 5.25 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल निकालना है। अब देखो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल में क्या क्या आएगा। अब आप देख पा रहे हैं इसमें एक तो इसमें होगा आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, फिर क्योंकि अंदर ये हॉलो है तो इनर का भी इसमें एरिया ऐड होगा, प्लस ये जो रिंग आप देख रहे हैं इसका एरिया भी इसमें शामिल करना होगा, तब ये इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड द इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस रिंग विच यू कैन सी ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द बॉल। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप विच इज रिंग शेप विच इज एट द टॉप ऑफ दिस बॉल। तो इसके लिए आपको पता है ये अंदर का है 5 सेंटीमीटर रेडियस और ये जो आउटर वाले का है इसका है 5.25 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया हमें माइनस करना है, तो ये एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा जो हमें इन दोनों एरियाज में ऐड करना होगा टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एरिया ऑफ दिस रिंग। तो इसके लिए एरिया, दिस इज सी पार्ट, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल एंड दैट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप चाहिए तो यहीं पर वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो मैं यहां पर वैल्यू रख रही हूं। तो पाई आर, कैपिटल आर है हमारे पास 5.25 इसका स्क्वायर, माइनस आर है 5 का स्क्वायर। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 5.25 प्लस 5 एंड 5.25 माइनस 5 एंड दिस विल बी 5.25 प्लस 5 इज 10.25 एंड 5.25 माइनस 5 इज 0.25 और पाई को आप लेंगे 3.14 इंटू 10.25 इंटू डेसिमल 0.25 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, इसको अभी हम फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द एरिया ऑफ द रिंग एज 8.05 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो हो गया इस रिंग का एरिया विच इज ऑन द टॉप ऑफ द बॉल। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल विच इज आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर, दिस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ दिस रिंग। दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द रिंग जो हमने अभी निकाला था। सो दिस इज इक्वल टू 157 प्लस 173.09 प्लस 8.05 विच इज 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर।